सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ तौर से स्वीकार किया कि कश्मीर जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों का दबाव उन कारणों में से एक है, जिसके चलते उन्होंने रक्षा मंत्री का पद छोड़कर गोवा लौटने का फैसला किया। पिछले महीने चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पर्रिकर ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं रहा है, वह वहां पर दबाव महसूस करते थे। पर्रिकर ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 126वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, दिल्ली में रक्षा मंत्री के तौर में काम करने के दौरान कश्मीर जैसे मुद्दे उन कारणों में थे जिसके चलते मैंने गोवा वापस लौटने का चयन किया। उन्होंने कहा, मुझे जब मौका मिला तो मैंने गोवा वापस आने का निर्णय किया। जब आप केंद्र में होते हैं, आपको कश्मीर और अन्य मुद्दों से निपटना होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाना एक आसान काम नहीं था और इसके लिए एक दीर्घकालिक नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हैं जिस पर कम चर्चा की जरूरत है। कश्मीर जैसे मुद्दों पर कम चर्चा और अधिक कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जब आप चर्चा के लिए बैठते हैं मुद्दे जटिल हो जाते हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।